according to me, our relationship is how much you feel connected with a person. Is like एक तो होता है हम ऊपर ऊपर से connection show करते हैं. एक from heart, by heart it should be connected. And what is heart and what is mind? Is there a difference? मतलब हम समझ सकते हैं दिल में और दिमाग में क्या फ़र्क है? We use these terms quite often. कि भाई दिल से मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहती हूँ, मेरा दिल कर रहा है, मेरा मन कर रहा है. तो ये दिल और ब्रेन में क्या फ़र्क है? मतलब what is the difference between heart and mind? दो चीज़ें आती हैं. There are two questions जिसका right and wrong answer होता है. हम कहते हैं दिमाग गलत बोल रहा है, दिल right बोल रहा है. But what is दिमाग and what is दिल? देखो इसको ध्यान से समझना. Mind is जो भी हम सोचते हैं, बोलते हैं, वो सब कहाँ से हो रहा है? ब्रेन से हो रहा है ना. Heart means the very center of our being. The very core of our being, that is called as heart. नहीं तो आप ये दिल और दिमाग में उल्टा सीधा कहानियां करते रहोगे. मतलब होंगे कुछ दिमाग में केमिकल्स, यहाँ पे ब्रेन में केमिकल्स रिलीज हो रहे होंगे और मुझे प्यार हो गया दिल में कुछ हो रहा है, दिल में कुछ नहीं हो रहा है, अंदर यहाँ डोपामीन रिलीज हो रहा है, समझे, देख करके किसी को, और उसको हम प्यार का नाम दे देंगे. तो वॉट इज द डीपेस्ट लेवल ऑफ योर बीइंग, जहां से सारा खेल शुरू होता है, जो नहीं तो कुछ नहीं देख पा रहे हो, दैट इज हार्ट. और जो उससे जुड़ गया उसको कनेक्शन बोलते हैं, उसको रिलेशनशिप बोलते हैं, उसको प्यार बोलते हैं. जो उससे नहीं जुड़ा सब बेकार है, सब ऊपर ऊपर का है, मतलब का है. तुझे भी खुजली हो रही है, मुझे भी खुजली हो रही है, तू मुझे खुजा, मैं तुझे खुजाऊंगा, यही है जी. तो what is the center of your being? आपकी सारी ड्रीम्स, आपके डिजायर्स, आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपके थॉट्स, सबका सेंटर पॉइंट क्या है? जहां से ये सब शुरू होता है, हार्ट. तो फिर वही आया, इज इट अ फिजिकल हार्ट और व्हाट इज दैट हार्ट? वो एक सिंगल लेटर अल्फाबेट है जहां से सब खेल शुरू होता है, आई. आई, दैट इज हार्ट. जो आपकी इस आई की डेफिनेशन में आ गया उससे आपका रिलेशनशिप बन गया, अब मरते दम तक मिट नहीं सकता. उसके अंदर आ गया तो वो आपके दिल में आ गया है. एक मां और बेटे में क्या होता है, एक मां और बच्चे में, कभी बारीकी से ऑब्जर्व किया है? मां को तो पता भी नहीं है कि वो जो बच्चा नर्स ला करके गोद में दे रही है वो मेरा है किसी और का है, पता है क्या? एक्सचेंज नहीं हो जाते, देखा नहीं मूवीज के अंदर? मान लो एक्सचेंज हो गया बच्चा और फिर उस नर्स ने ला करके दे दिया, लेकिन उसको नहीं पता. लेकिन जैसे उसने गोद में लिया, फील नहीं आएगी? आएगी, आएगी. कैसे आती है फील? इसका ध्यान से समझ लेना अगर समझ पाओ तो. माँ ने सिर्फ माना ही है, एक्चुअल में कोई प्रूफ नहीं है. आपने माना ही है कि जो आपके माँ बाप हैं आपके माँ बाप हैं. आपके पास प्रूफ है क्या? हाँ, फिर मानने का ही तो खेल है. मेरे मतलब मैं की डेफिनेशन में आ गए ना, तो उस माँ ने ये माना ही है कि मेरा बच्चा है. उसको पता नहीं है, भरोसा है डॉक्टर्स के ऊपर, नर्स के ऊपर, कि हाँ उन्होंने कोई घपला नहीं किया है, ला करके दिया और उसकी आंख से आंसू टपक रहे, मेरा बच्चा. और परवरिश में कोई कमी नहीं आने वाली उस बच्चे के, समझ गए ना? एक जगह होता है जहाँ पर प्यार होता है, एक जगह होती है जहाँ पर प्यार करना पड़ता है. एक अरेंज मैरिज में प्यार करना पड़ता है, प्यार होता नहीं है. माँ और बच्चे में प्यार होता है. तो जहां हम कुछ भी करते हैं, वेन वी डू समथिंग वी फॉल ऑल्सो, दैट्स वाई दे से यू फॉल इन लव. और गिरोगे तो चोट लगेगी, वही हो रहा है लोगों के साथ में. ब्रेकअप भी होगा, बट माँ और बच्चे का ब्रेकअप नहीं हो सकता. तो हुआ क्या है, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो, माँ की जो मैं की डेफिनेशन है, यानी माँ का जो दिल है, जो सेंटर पॉइंट है, जो सेंटर ऑफ हर बीइंग, उसके अंदर ही वो बच्चा आ गया है. तो मतलब उस दिल का भी दिल है वो बच्चा. तो वहां पर प्यार है, प्यार करना नहीं पड़ता है, कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी वहां पर प्यार करने की. आपको खुद से प्यार करना पड़ता है या खुद से प्यार होता है? होता है. जो लोग सुसाइड भी करते हैं वो भी इस वजह से नहीं करते कि खुद से नफरत है, खुद से प्यार है. खुद मतलब खुद की खुशी से प्यार है, तो खुशी नहीं मिल रही इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूं. ये बात ज्यादा गहरी हो गई है, आ रही है बात समझ में? तो वो खुद से ही प्यार की वजह से वो मर रहा है. खुद से इतना प्यार है कि मुझे वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए, अगर उसको वो दे दो तो नहीं मारेगा छलांग. है कि नहीं? तो हमें इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार होता है खुद से, ये है हमारा दिल। तो जब तक ये आई लव यू है तब तक कोई प्यार व्यार नहीं है, कहानियां हैं। लेकिन जैसे ये यू आई के अंदर आ गया तो वहां पर सिर्फ प्यार रह जाता है, आई और यू मिट जाता है। तो अगर आपका ये जो सेंटर ऑफ बीइंग है उसकी डेफिनेशन में वो पर्सन इंक्लूड हो जाए जो भी आपका लाइफ पार्टनर है, तो वो आपके जो आपका दिल है उसके अंदर आ चुका है।